गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्पीडी सामान्य अध्ययन की बुक से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके। तो रोग और उसे बचाव के लिए कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो टीबी और तपेदिक के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी और तपेदिक के बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया रोग और टिटनस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया रोग और टिटनस के बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी रोग से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी रोग से बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मम्स, खसरा, रुबेला रोग से बचाव के लिए एमएमआर का टीका लगाया जाता है। मम्स हो गया, खसरा हो गया, रुबेला रोग से बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो एमएमआर का। अब हम आते हैं आगे की तरफ। पोलियो रोग से बचाव के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है। और टाइफाइड रोग से बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो टी ए बी टाइफाइड रोग से बचाव के लिए टी ए बी का टीका लगाया जाता है। छोटी माता रोग से बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो रुबेला वैक्सीन लगाया जाता है। छोटी माता से बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन, रुबेला वैक्सीन लगाया जाता है। और जर्मन खसरा से बचाव के लिए रुबेला वैक्सीन लगाया जाता है। तो जर्मन खसरा से बचाव के लिए कौन सा, रुबेला वैक्सीन लगाया जाता है। तो एक बार हम लोग इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। चलिए, तो टीबी और तपेदिक रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया और टिटनेस रोग से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी रोग से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मम्स, खसरा और रुबेला से बचाव के लिए एमएमआर का टीका लगाया जाता है। और पोलियो से बचाव के लिए पोलियो का टीका लगाया जाता है। और टाइफाइड रोग से बचाव के लिए टीएबी का टीका लगाया जाता है। और छोटी माता से बचाव के लिए रुबेला वैक्सीन लगाया जाता है। और जर्मन खसरा से बचाव के लिए कौन सा, रुबेला वैक्सीन लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।